नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं चेरिस ओएस के बारे में। यहाँ पर एंड्रॉइड 13 के साथ ऑफिशियली चेरिस ओएस का जो लेटेस्ट बिल्ड है अवेलेबल हो गया है। एंड यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं चेरिस ओएस 4.1 के बारे में। यहाँ पर इस रॉम के साथ क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है, क्या क्या चेंजेस देने को मिलता है, प्लस बेंचमार्किंग, बैटरी बैकअप, प्लस किस तरह से इंस्टॉल करते चेरिस ओएस 4.1 को, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड्रॉइड 13 के साथ एजेबल्ड है, अवेलेबल है। यहाँ पर हमने रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर चेरिस ओएस का जो ऑफिशियल बिल्ड है इंस्टॉल किया है, चेरिस ओएस 4.1 का बिल्ड है। यहाँ पर अगर बात करें लेटेस्ट 5th October का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है ऐड किया गया है 4.14 कर्नल के साथ एजेबल्ड है, अवेलेबल है। सबसे पहले इस बिल्ड के साथ बाय डिफॉल्ट जी एप्स देखने को मिलेगा। आपको अलग से जी एप्स को फ्लैश नहीं करना होगा, अलग से प्ले स्टोर को इंस्टॉल नहीं करना होगा। एजेबल्ड है दोस्तों, जी एप्स वाला बिल्ड है। अभी तक एंड्रॉइड 13 के साथ जो है पर MIUI कैमरा का जो सपोर्ट है देने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर चेरिस ओएस 4.1 के साथ MIUI का जो कैमरा है काम नहीं करेगा, प्लस MIUI का जो कैमरा है ऐड नहीं किया गया है। बाय डिफॉल्ट MIUI कैमरा का जो सपोर्ट है एंड्रॉइड 13 के साथ अभी तक ऐड नहीं किया गया है। यहाँ पर मोटो का जो डॉल्बी एटमॉस का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। कुछ इस तरह से यहाँ पर मोटो का जो डॉल्बी एटमॉस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसमें ऐड किया गया है, यहाँ पर इस भी ऑप्शन से। यहाँ पर रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर मोटो का जो डॉल्बी एटमॉस का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है जीकैम गो देने को मिल जाएगा, कैमरा गो को ऐड किया गया है। पोर्ट्रेट मोड, फोटो वीडियो से ऑप्शन को ऐड किया गया है। पर नाइट मोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जीकैम गो काम कर जाएगा, गूगल कैमरा काम करता है। यहाँ पर कैमरा 2 MP की अगर बात करें, लेवल 3 का जो सपोर्ट देने को मिलता है। हमने यहाँ पर गूगल कैमरा 8.6 का जो लेटेस्ट बिल्ड है उसमें ट्राई करके देखा था, काम कर जा रहा है। अभी तक जीकैम 8.7 का जो बिल्ड है अवेलेबल नहीं है। जब भी अवेलेबल होगा मैं जरूर से वीडियो अपलोड करूंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके रखिएगा। एनीवे, यहाँ पर जो है टर्बो चार्जिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया। जब भी आपका जो फोन आप चार्ज करोगे तो आपको यहाँ पर जो टर्बो चार्जिंग करके लिखा जाएगा, इसे ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो है लाइव डिस्प्ले का जो ऑप्शन भी ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पर लाइव डिस्प्ले का जो ऑप्शन भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। इसे आप चाहो तो चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर लाइव डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। बाकी अगर बात करें कस्टमाइजेशन के बारे में जो है, यहाँ पर ऐसे भी कस्टमाइजेशन ऑप्शन को ऐड किया गया है। यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन है, क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन है, थीम्स का ऑप्शन है, बटन्स, एनिमेशन, लॉक स्क्रीन, ऐसे ऑप्शंस को ऐड किया गया है। नाउ सबसे पहले बात कर लेते किस तरह से चेरिस ओएस 4.1 को इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पर ये जो मेथड में दिखाना वाला हुआ, ये जो मेथड है ऑलमोस्ट सभी डिवाइस के ऊपर सिमिलर मेथड को फॉलो करना होगा, सिमिलर स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के लिए चेरिस ओएस का डाउनलोडिंग देने को मिलेगा, वहां पर जाके बाकी सभी डिवाइस के लिए भी आप चेरिस ओएस को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके डिवाइस के ऊपर जो है कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पर जो है TWRP रिकवरी और ऑरेंज फॉक्स रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। एंड कोई भी कस्टम रॉम को इंस्टॉल करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा आपके डिवाइस के ऊपर उसको जो है बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है। नौ यहाँ पर कस्टम रिकवरी को बूट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो है फोन को ऑफ करने के बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करना होगा, उसके बाद आपका जो डिवाइस से कस्टम रिकवरी के साथ बूट हो जाएगा। यहाँ पर इस रॉम के साथ एडवांस रिबूट को ऐड किया गया है, डायरेक्टली पावर मॉनिटर के साथ रिकवरी बूटलॉर को बूट कर सकते हो, काफी बढ़िया बात है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेरिस ओएस 4.1 का डाउनलोड लिंक देने को मिलेगा, वहां पर जाकर इस रॉम को डाउनलोड करना होगा। इस रॉम के साथ जो बाय डिफॉल्ट जी एप्स अवेलेबल है, आपको अलग से जी एप्स को फ्लैश नहीं करना होगा। यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं TWRP रिकवरी को। अगर आप चाहो तो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ भी इस रॉम को फ्लैश कर सकते हो, सिमिलर स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो कस्टम रिकवरी बूट करने के बाद यहाँ पर बैकअप में जाके सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो स्वाइप करके गार्डन रॉम का बैकअप क्रिएट करना होगा। बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है, बाद में आप चाहो तो रिस्टोर भी कर सकते हो। बैकअप क्रिएट करने के बाद बैक आके वाइप में जाके एडवांस वाइप में जाके डायल्बिक डेटा कैशे ये तीन ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो स्वाइप करके वाइप कर देना होगा। वाइप होने में कुछ ही सेकंड टाइम लगता है। वाइप होने के बाद सिंपली बैक आना होगा। सिंपली यहाँ पर जो वाइप करने के बाद इंस्टॉल में जाना होगा। इंस्टॉल में जाने के बाद सिंपली यहाँ पर जो रॉम को सिलेक्ट करना होगा। रॉम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो स्वाइप करके यहाँ पर जो फ्लैश कर देना होगा। रॉम के साथ जो बाय डिफॉल्ट जी एप्स अवेलेबल है, आपको अलग से जी एप्स को फ्लैश नहीं करना होगा। रॉम फ्लैश होने में लगभग 5 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। रॉम फ्लैश होने के बाद सिंपली बैक आके यहाँ पर रिबूट टू सिस्टम का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। यहाँ पर फास्ट बूट में लगभग 5 मिनट के आसपास टाइम लगेगा।
उसके बाद आपको यहाँ पर जो रॉम को सिंपली यहाँ पर जो सेटअप करना होगा। कुछ इस तरह से आप जो है कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस पर चेरी सोएस का जो लेटेस्ट वर्जन उसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। नाउ अभी फिलहाल बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। हमने यहाँ पर इस रॉम के साथ कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस को रन किया था। यहाँ पर 3D Mark के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के ऊपर 1112 का इसको देखने को मिल गया है Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर। तो यहाँ पर 3D Mark के साथ जो कुछ इस तरह से इसको देखने को मिलता है वाइल्ड लाइफ के ऊपर Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर। Geekbench 5 की अगर बात करें यहाँ पर जो सिंगल कोर के साथ 561, मल्टी कोर के साथ 1670 का स्कोर है Geekbench 5.4.4 के साथ। यहाँ पर जो हमें यहाँ पर मल्टी कोर के साथ जो इसको देने को मिला है काफी बढ़िया है, पर ओवरऑल काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा सिंगल कोर प्लस मल्टी कोर के साथ। अगर बात करें पर सेफ्टीनेट के बारे में, यहाँ पर जो विदाउट रूट विदाउट मैजिक्स बाय डिफॉल्ट सेफ्टीनेट पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन से बाय डिफॉल्ट काम करेगा। अगर बात करें पर सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के बारे में, लगभग 5 मिनट के लिए जो टेस्ट हमने रन किया था मैक्स गया है 149, एवरेज है 142, मिनिमम है 131। यहाँ पर जो 92% का सीपीयू थ्रॉटल देने को मिल गया है, मैक्स सीपीयू गया है 2.30 GHz तक। ओवरऑल यहाँ पर जो इस रॉम के साथ काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा एंड ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन काम करते हैं, वाईफाई काम कर रहा है, ब्लूटूथ काम कर रहा है, फ्लैश लाइट काम कर जाएगा, लोकेशन का जो ऑप्शन काम कर रहा है, यहाँ पर हॉटस्पॉट, डार्क मोड, एक्स्ट्रा डिम, नाइट लाइट का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। यहाँ पर QR कोड को स्कैन करने के लिए जो टॉगल है ऐड किया गया है काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर 100 मोड का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऐड किया गया है। कुछ इस तरह से यहाँ पर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर Redmi Note 10 Pro डिवाइस को जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। यहाँ पर बैटरी परसेंटेज का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ। एंड यहाँ पर जो रिबूट का जो टॉगल है ऐड किया गया है। वॉल्यूम पैनल की अगर बात करें, कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल के साथ UI देने को मिलेगा चेरी सोएस 4.1 के साथ। यहाँ पर बात कर लेते कस्टमाइजेशन फीचर्स के बारे में। यहाँ पर जो सरस वर्क के ऊपर इसी ऑप्शन से पर डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है, नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर को ऐड किया गया है, पर बैटरी आइकॉन स्टाइल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर डेटा डिजिबल आइकन का ऑप्शन है, सरस वर्क आइकन को कस्टमाइज कर सकते हो, वॉल्टी आइकन का ऑप्शन है, प्लस पर जो वो वाईफाई का जो आइकन उसे भी कस्टमाइज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर 4G आइकन का ऑप्शन है। यहाँ पर माइक कैमरा प्राइवेसी इंडिकेटर को ऐड किया गया है। यहाँ पर ब्राइटनेस कंट्रोल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, ब्लूटूथ बैटरी स्टेटस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन है। पर थीम्स की अगर बात करें, पर छे सेटिंग्स का जो UI आप चेंज कर सकते हो इसे भी ऐड किया गया है, डार्क मोड का ऑप्शन है। यहाँ पर छे कस्टम थीम का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर थीमिंग के ऊपर छे आइकन पैक, सिग्नल आइकन स्टाइल, वाईफाई आइकन स्टाइल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है। एंड यहाँ पर क्विक सेटिंग्स के ऊपर जो क्विक सेटिंग्स का जो ऑपेसिटी आप चेंज कर सकते हो, क्विक सेटिंग्स, क्विक पुल डाउन का ऑप्शन है, ब्राइटनेस स्लाइडर का ऑप्शन है, प्लस पर जो ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकन है ऐड किया गया है। बटन्स के ऊपर जो है यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जो 2 बटन नेविगेशन, 3 बटन नेविगेशन को ऐड किया गया है। यहाँ पर वॉल्यूम पैनल को लेफ्ट साइड में शो कर सकते हो, वॉल्यूम स्टेप कस्टमाइजेशन ऑप्शन को ऐड किया गया है, वॉल्यूम बटन के साथ डिवाइस को वेकअप कर सकते हो इसे भी ऐड किया गया है, पर एनिमेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है एनिमेशन स्टाइल का ऑप्शन है, पावर मेनू का जो एनिमेशन से ऐड किया गया है, लोकेशन को बच्चे डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है, टॉगल टॉर्च व्हेन स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन है, पर एज लाइटिंग को ऐड किया गया है, हाइट सरस वर्क का ऑप्शन है, यहाँ पर लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो को ऐड किया गया है, रैपिड एनिमेशन का ऑप्शन से ऐसे ऑप्शन को ऐड किया गया है। अगर बात करें पर बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पर इस रॉम के साथ लगभग 6 से 7 आवर के आसपास जो पर बैटरी बैकअप देने को मिल जाएगा 120Hz के साथ, जो कि काफी बढ़िया है। बट डिफरेंटली डिपेंड करते हैं कौन कौन से एप्लीकेशन यूज करते हो। यहाँ पर इस रॉम के साथ मेरे को पर्सनली काफी बढ़िया बैटरी बैकअप देने को मिला है। यहाँ पर बैटरी टेम्परेचर का ऑप्शन है, एडेप्टिव बैटरी का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, यहाँ पर जो है थर्मल प्रोफाइल का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। अगर बात करें पर फिंगरप्रिंट के बारे में, यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा एंड्रॉयड 13 के साथ। अभी फिलहाल जो है पर फेस अनलॉक जो है अवेलेबल नहीं है इस रॉम के साथ। यहाँ पर फिंगरप्रिंट काम कर जाएगा सिंपली, बहुत ही फास्ट जो है आपका जो डिवाइस आप अनलॉक कर सकते हो इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर लोकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर सिस्टम के ऊपर जो है OT अपडेट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर सिस्टम अपडेट का ऑप्शन है, गिशेस के ऊपर जो क्विक टैप का ऑप्शन है, क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है, सिस्टम नेविगेशन 100 मोड डबल टैप का ऑप्शन है, पर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है, ढेर सारे ऑप्शन से। यहाँ पर इस बिल्ड के साथ एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर सिस्टम कंट्रोल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, लाइव कैप्शन का ऑप्शन है, ऑडियो एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। रैम मैनेजमेंट की अगर बात करें, यहाँ पर इस रॉम के साथ जो काफी बढ़िया रैम मैनेजमेंट देने को मिल जाएगा, कोई भी लैग कोई भी हैंग का इशू देने को नहीं मिलेगा, काफी स्मूथ ओवरऑल
यूआई देने को मिलता है, ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड्रॉयड 13 के साथ एज बिल्डर काफी हद तक स्टेबल हो चुका है। इस रॉम को अगर आप चाहते हो एज ए डेली ड्राइवर आप यूज कर सकते हो, कोई भी इशू देने को नहीं मिलता है, कोई भी मेजर बग यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। प्लस जो परफॉर्मेंस है इस रॉम के साथ जो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा, परफॉर्मेंस में आपको कोई भी इशू देने को नहीं मिलता है। डेफिनेटली ये जो चेरी सोएस 4.1 का जो बिल्ड है आप ट्राई करके देखो Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर। एनीवे वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।